बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का मणिपुर दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग राजनीतिक पर्यटन पर गए हैं, ना कि हिंसाग्रस्त क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लेने, क्योंकि घर से निकलकर कभी हवाई अड्डे से और कभी अपने रास्ते की तस्वीरें पोस्ट करने में लगे हुए हैं। इन्हें मणिपुर की स्थिति पर विश्लेषण करना चाहिए। देश के गृह मंत्री ने खुलकर कह दिया था कि वो मणिपुर को लेकर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों ने चर्चा नहीं होने दी। बता दें, इंडिया गठबंधन के सांसदों के मणिपुर दौरे पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मणिपुर की स्थिति का विश्लेषण करने के बजाय वो हवाई अड्डे और रास्ते की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो राजनीतिक पर्यटन पर है? सिर्फ वो अपना प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को संसद में चर्चा करने पर विचार करना चाहिए। देश के गृह मंत्री संसद में खुलकर कह रहे हैं कि हम मणिपुर को लेकर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों ने चर्चा होने नहीं दे रहे। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि मणिपुर के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं सामने आई हैं, तो चर्चा उन पर भी होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि मणिपुर में जो आज के हालात हैं, वो किसकी दी हुई है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैं हैरान हूं कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सिर्फ विपक्ष के लोग आग भड़काना चाहते हैं। आपको बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है और विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबद है। सरकार को विपक्षी पार्टियों का गठबंधन सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहा। उनकी लगातार मांग है कि मणिपुर में हो रही हिंसा पर प्रधानमंत्री संसद में आकर मामले पर बोलें। दरअसल मणिपुर में अभी भी हिंसा देखने को मिल रही है। बता दें कि बीते 3 मई से दो समुदायों के बीच झड़प के बाद मणिपुर के हालात बिगड़ गए थे। मणिपुर में अभी तक हालात पूरी तरह से सरकार के कब्जे में नहीं है। इस बीच आज विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर का दौरा करने निकला है। ये सभी सांसद 29 और 30 जुलाई तक मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। राज्य में 3 महीने से जारी हिंसा और यहां के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार और संसद को अपनी राय देंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इंडिया को मीडिया के द्वारा विपक्षी पार्टी को जानकारी देते हुए कहा कि साल 1997 में मणिपुर में 700 से अधिक लोगों की हत्या हुई थी। आदेश के अलग अलग राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन विपक्ष को सिर्फ मणिपुर याद आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों?